भारतवर्ष कई राजवंशों जैसे कि मौर्य, गुप्त, चोल, लोदी, मुगलों आदि का घर रहा है। इन सभी वंशों ने भारत पर राज किया और भारतीय सभ्यता पर अपनी छाप छोड़ी। सन 1526 से 1858 के दौरान प्रभावी मुगल साम्राज्य की झलक हम आज भी वास्तुकला के कई अजूबों जैसे कि ताजमहल, हुमायूं के मकबरे इत्यादि के रूप में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराएंगे। मुगल प्रसिद्ध मंगोल सम्राट चंगेज खान और टर्किक सम्राट तिमूर के वंशज थे। सन 1504 में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को अफगानिस्तान में स्थित काबुल का राजा घोषित किया गया। एक बेहतर साम्राज्य की तलाश में बाबर ने अपनी सेना के साथ भारत की ओर रुख किया और सन 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने दिल्ली और आगरा की रियासत पर कब्जा कर लिया। इब्राहिम लोदी की हार के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ने लगा। ये तेजी से बढ़ता हुआ प्रभाव न केवल मुगलों की एक सशक्त सैन्य शक्ति का असर था बल्कि समकालीन महाराजाओं के साथ किए गए उनके सोचे समझे राजनीतिक गठबंधन का भी परिणाम था। उदाहरणतया देश के उत्तर पश्चिमी भाग में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए। मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कार्यकाल माना जाता है सम्राट अकबर के शासन को। सन 1542 में अबुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद के रूप में जन्मे अकबर द्वितीय मुगल सम्राट हुमायूं के पुत्र थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में अकबर को मुगल सल्तनत का शहंशाह घोषित किया गया। अकबर के कार्यकाल में मुगल साम्राज्य भारतीय प्रायद्वीप से निकलकर पूरे उत्तरी भाग में फैल चुका था। एक प्रतिभाशाली सैन्य कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ अकबर धार्मिक स्वतंत्रता के कठोर प्रचारक भी थे। अपने राज में उन्होंने गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जजिया कर का बहिष्कार कर दिया। वो नियमित तौर पर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ वाद विवाद में भाग लिया करते थे। भूमि के सही माप के लिए अकबर ने लंबाई की इकाई को स्टैंडर्डाइज करवाया और पिछले 10 सालों के आंकड़ों के आधार पर राजस्व वसूली की दरें निश्चित की। इसके कारण स्थानीय किसानों को हर साल राजस्व भुगतान में होने वाली अनिश्चितता से मुक्ति मिली। अकबर की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र जहांगीर को मुगल सम्राट घोषित किया गया। जहांगीर शहजादे सलीम का सिंहासन नाम था जो कि लोक कथाओं में अपनी एक कनीज अनारकली के साथ प्रेम संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे। जहांगीर के कार्यकाल में मुगल साम्राज्य की स्थिरता बनी रही। इसी समय अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ और उन्होंने देश में व्यापार के लिए अधिकार हासिल कर लिए। सन 1627 में जहांगीर के बाद शाहजहां को पांचवां मुगल सम्राट बनाया गया। शाहजहां को मुगल वास्तुकला का महारथी माना जाता है क्योंकि भारत के कई शानदार स्मारकों जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद इत्यादि का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अपने कार्यकाल के आखिरी वर्षों में जब शाहजहां बीमार पड़े तो उनके पुत्रों के बीच सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो गया। उनके सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने सिंहासन की कमान संभाली लेकिन औरंगजेब द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। सिंहासन हत्याने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को हिरासत में ले लिया और उन्हें एक कैदी का जीवन जीने को मजबूर कर दिया। औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के सैन्य वर्चस्व का समय था। देश के दक्षिणी भागों में अपनी पकड़ बनाने के बाद मुगल साम्राज्य का लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर एक छत्र राज हो चुका था। साम्राज्य के लगातार होते हुए विस्तार ने मुगलों की गरिमा को तो बढ़ाया लेकिन साथ ही उन्हें युद्ध कोष जुटाने के लिए काफी बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी। औरंगजेब के जजिया कर को बहाल करने के फैसले से गैर मुस्लिमों के बीच एक असंतोष की भावना पैदा हो गई। उधर सिखों और मराठों के द्वारा होने वाले विद्रोहों ने भी साम्राज्य के लिए काफी समस्याएं खड़ी की। इन सभी कारणों और आने वाले मुगल सम्राटों की असक्षमता के कारण सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।